गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो इन ऐप्स का इस्तेमाल अभी बंद कर दें। गूगल पे भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले यूपीआई भुगतान ऐप में से एक है। गूगल पे देश के शीर्ष 5 यूपीआई ऐप में से एक है जो महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखता है। विशेष रूप से भारत गूगल के भुगतान ऐप के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। गूगल का कहना है कि वह वास्तविक समय में संबंधित लेनदेन की पहचान करने के लिए गूगल की सर्वोत्तम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और धोखाधड़ी रोकथाम तकनीक का उपयोग करता है। हम आपको सुरक्षित रखने वाली तकनीकों के निर्माण के लिए बाकी उद्योग के साथ भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। कंपनी भले ही अपना काम कर रही हो, लेकिन यूजर्स के लिए सावधान रहना भी जरूरी है। गूगल ने अपनी वेबसाइट पर गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां साझा की है। आइए इसे बारीकी से जानते हैं। गूगल पे का उपयोग जारी रखने के लिए सभी स्क्रीन शेयरिंग ऐप बंद कर दें। लेन देन करते समय कभी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल ना करें। स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स वे हैं जो अन्य लोगों को यह देखने की अनुमति देते हैं कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्या है, चाहे वह फोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हों। इन ऐप्स का उपयोग मूल रूप से फोन, लैपटॉप, पीसी पर समस्याओं को दूर से ठीक करने के लिए किया जाता था। ये ऐप्स आपके फोन डिवाइस पर पूर्ण पहुंच और नियंत्रण की अनुमति देते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे स्क्रीन शेयर, एनीडेस्क और टीम व्यूअर इत्यादि। गूगल उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देता है कि वे ध्यान दें कि गूगल पे कभी भी उन्हें किसी भी कारण से किसी तृतीय पक्ष ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहता है। यदि उन्होंने इन ऐप्स को डाउनलोड किया है तो गूगल पे का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वे ऐप्स बंद हैं। कंपनी ने जोर देकर कहा, अगर कोई खुद को गूगल पे प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है और आपको इन ऐप्स को डाउनलोड करने का निर्देश देता है तो उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करें और हटा दें। आप इन समस्याओं की रिपोर्ट गूगल पे को भी कर सकते हैं। गूगल पे से जुड़ी इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।